दृष्टि पीसीएस के पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली तायडे और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। भारत सरकार कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और क्षेत्र में एक प्रमुख निर्यातक बनने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग के लिए $2 अरब के प्रोत्साहन कार्यक्रम की योजना बना रही है। चलिए जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिए हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। हाइड्रोजन का प्रकार उसके बनने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होती है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। इस प्रक्रिया में जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्तमान में 0.1% से कम हाइड्रोजन का उत्पादन विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है। वहीं ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है, जहां उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है, जबकि ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस निर्मित होती है, जहां संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है, जबकि ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, जहां कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है। चलिए जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन का क्या महत्व है। वर्तमान में हाइड्रोजन का अधिकांश उपयोग तेल शोधन एवं अमोनिया, मेथनॉल और स्टील के उत्पादन व अन्य उद्योगों में किया जाता है, जबकि हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में हुई प्रगति विभिन्न उद्योगों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। परिवहन के क्षेत्र में हाइड्रोजन ईंधन के माध्यम से गैस और डीजल को विस्थापित किया जा सकता है। यह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग में तेजी ला सकता है। 2050 तक स्वच्छ हाइड्रोजन हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का अनुमानित 22% हिस्सा हो सकती है, जबकि वर्तमान में यह केवल 4% ऊर्जा की आपूर्ति करती है। आपको बता दें, ग्रीन हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन को विस्थापित करने की पर्याप्त क्षमता रखती है। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी IOL ने असम के जोरहाट में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट स्थापित किया है। केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन यानी नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन NHEM की घोषणा की गई है, जो हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। चलिए जानते हैं कि अक्षय ऊर्जा के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी पहलें की हैं। इनमें शामिल हैं, पहला जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन यानी JNNSM, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तीसरा PM कुसुम, चौथा राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति और पांचवा रूफटॉप सौर योजना। तो चलिए, अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन बी रिफाइनिंग, ऑप्शन सी गैल्वेनाइजेशन या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।